गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम, योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज मैं आपको आपकी इंग्लिश की बुक हनी कॉम की फोर्थ पोयम चीवी पढ़ा रही हूँ। तो पोयम का क्या नाम है बच्चों? चीवी। चीवी का क्या मतलब होता है? कि किसी बंदे को हम एक ही बात के लिए बार बार टोकते रहें, किसी को एक ही बात के लिए बार बार टोकते रहना क्या कहलाता है? चीवी। तो देखिए पोयम। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड वॉट टू डू और नॉट टू डू। मतलब आप अपने आप से और अपने पार्टनर से यानी अपने साथी से पूछिए, क्या आपको बार बार ये करो ये मत करो ऐसा कहना अच्छा लगता है? डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस। तो क्या आपके एक्सपीरियंस में जो बड़े लोग हैं वो ऐसा करते हैं? वेन माइकल वॉज 5 years old, हिज मदर टुक हिम टू ए नियर बाई स्कूल फॉर एडमिशन। जब माइकल 5 साल का था तो उसकी माँ उसको पास के स्कूल में एडमिशन के लिए लेके जाती हैं। द टीचर आस्क, तो टीचर ने पूछा, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड, कि बच्चे भाई तुम्हारी माँ तुम्हें घर पे क्या कह के बुलाती है? माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। मतलब बच्चे की एकदम कॉन्फिडेंट रिप्लाई क्या आया कि माइकल डोंट, कि मेरी माँ कहती है माइकल ऐसा मत करो। मतलब उसने अपना नाम बताने के बजाय पूरा बताया कि माइकल डोंट कह के मेरी माँ मेरे को बुलाती है। तो अब देखिए आपकी पोएम स्टार्ट होती है। मतलब इस पोएम में यही बताया गया है कि जो बड़े लोग हैं वो बच्चों को किसी ना किसी बात के लिए बार बार टोकते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, जो बड़े लोग हैं वो ऐसी बातें करते हैं। स्पीक अप, कि बोलो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, अपना मुंह भर के मत बोलो। डोंट स्टेयर, घूरो मत। डोंट पॉइंट, इशारा मत करो। डोंट पिक योर नोज, कि अपनी नाक में उंगली मत डालो। सिट अप, बैठ जाओ। से प्लीज, प्लीज बोलो। लेस नॉइस, शोर मत करो। शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दो। डोंट ड्रैग योर फिट, अपने पैर मत घसीटो। हैव नॉट यू गोट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपनी जेब से अपने हाथों को बाहर निकालो। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। पुल योर सॉक्स अप, अपनी जुराबें ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ। से थैंक यू, कि थैंक यू बोलो। डोंट इंटरप्ट, बीच में मत रोको। नो वन थिंक्स यू आर फनी, भाई कोई नहीं सोचता कि तुम फनी हो, मजाकिया हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अपनी कोहनियों को टेबल से हटा लो। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, कि क्या तुम किसी काम को करने में अपना खुद का दिमाग नहीं लगा सकते? मतलब कहने का ये है कि जो बड़े हैं या पेरेंट्स हैं जो बच्चों को हर बात के लिए बार बार टोकते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा मत करो, तो इस चीवी पोएम में यही बताया गया है। माइकल रोजन इसके पोएट हैं बच्चों। तो सिंपल सी पोएम है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।